हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग आता है दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हमारा है जो डॉग लवर है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो डॉग से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं जो बहुत ही उनके काम आने वाली हैं। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहेंगे फ्रेंड्स। पेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मिलने वाली है। मैं भाई साहब का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं भाई साहब से डॉग पालते समय किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपको भाई साहब से कुछ जानकारी लेनी होगी। हाँ, ये हमारे भाई साहब हैं दीपक जी। और अंजू भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, घर परिवार सब बढ़िया। तो इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है पेट का। तो कब से स्टार्ट किया आपने काम? ये भाई, ये मेरे को हो गया आपको दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो ये कोटद्वार में एक नया काम है। हाँ, मेरे हिसाब से कोटद्वार में ये मेरी तीसरी या चौथी दुकान है जो कोटद्वार में खुली है। इससे पहले कोटद्वार में पेट का कोई मतलब क्रेज नहीं था, पर ये अभी हाल फिलहाल में इतना तेजी से बढ़ा है कि लोग डॉग के प्रति इतना हो गए कि कई लोगों के पास गायें थी, गाय बच्ची पालते थे, अब डॉग है उनके पास, डॉग पालते हैं। कहीं यहाँ ऐसा है कि ये तो उत्तराखंड जो कोटद्वार है हमारा क्षेत्र है, तो इसमें अधिकतर लोग क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है, रिटायर आ रहे हैं, आदमी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक वर्किंग भी हो जाता है, सुबह शाम की वॉकिंग हो जाती, तो उसके लिए वो डॉग आज के टाइम में इस्तेमाल या परचेज कर रहे हैं फैमिली के लिए। ये आज कोटद्वार में अधिक हो गया है। आप कौन कौन सी ब्रीड में डील करते हैं? देखिए सर, मेरे पास तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड है उनके कैनल है, तो सारी ब्रीड अवेलेबल है यहाँ पर। उसमें आपके छोटे टॉय ब्रीड से लेकर आपके जैसे शिट्जू डॉग हो गया, आजकल सबसे ज्यादा डिमांड पे शिट्जू डॉग है आपका, टॉय ब्रीड है, टॉम पॉय हो गया, ठीक है, ये ब्रीड है। तो सारी मतलब कहने का मतलब है आपके पास हमें यहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगी जो चाहिए। मतलब अगर किसी अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आता है तो उसको पेट से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे? देखो, यहाँ पर हमारा जो शॉप के लिए पेट से रिलेटेड सारे आइटम है यहाँ, जैसे आपके फूड एसेसरीज हो गई है, उनके लिए टॉयज वगैरह है, मेडिकल के लिए सारे, उनके लीवर से टॉनिक से लेकर शैम्पू से लेकर मतलब, और उनके रहने के लिए जैसे आपके बेड वगैरह, उनके फूड वगैरह सारे अवेलेबल, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल। और इसमें हमने अलग से पेट बोर्डिंग का भी कर रखा है, जैसे कोई कस्टमर बाहर चले जाता है, दिक्कत हो जाती है कि डॉग किस कौन संभालेगा, तो उसकी भी हमारी व्यवस्था अलग है। अच्छा, अगर कभी कोई जो है दो चार दिन के लिए बाहर जाना चाहता है और वो पेट को लेके नहीं आ सकते बाहर? हाँ, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, पेट बोर्डिंग की सुविधा हमने कर रखी है, ठीक है, वो हमारे नजदीक पे हमने रखी हुई है, वो सुविधा भी है। यहाँ पर ग्रूमिंग का भी सबसे बड़ा ऑप्शन है कि कटिंग का नहीं है यहाँ पर डॉग के, डॉग पाल रखे कटिंग के लिए कई लोगों को दिल्ली देहरादून ले जाना पड़ता है, खुद कर देते हैं। वो जो कुत्ते में डॉग में क्वालिटी आनी चाहिए ना कटिंग में, वो नहीं आती है। कहीं जैसे शिट्जू डॉग है, हम उसकी ग्रूमिंग करते हैं, वो इस तरीके से घर में खुद बाल काट देते हैं जैसे पोमेरियन हो जाता है, तो उससे क्या उसकी शो खराब हो गया, तो ये सुविधा भी रखी है हमने। अच्छा। और वैक्सीनेशन आपको पता है, वैक्सीनेशन भी है, डॉक्टर भी है ये, ठीक है, और आपका ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारे किसी व्यूअर को आपसे खरीदना हो तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा आपको? ये फिजिकल लोकेशन पे आना पड़ेगा या आप डिलीवरी? देखिए, अगर कोई भी अगर कस्टमर आपके माध्यम से आता है, ठीक है, तो उसको मैं कंसेशन कर दूंगा उससे, ठीक है, डॉग में भी हाँ बिल्कुल डिस्काउंट दूंगा मैं उसको, वो आपका नाम लेगा तो उसको बिल्कुल मैं डिस्काउंट करके दूंगा, ठीक है। और मैं बाकी यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, ये आपका उत्तराखंड कोटद्वार नियर पेंशन फैक्ट्री मानपुर, कोटद्वार पेट शॉप के नाम से, ठीक है, बिल्कुल सामने पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, आपका भैरवगढ़ी फर्नीचर है उसके सामने है। तो आप ये अगर किसी को अदर लोकेशन पे चाहिए अपने, जैसे हाँ होम डिलीवरी चाहिए, हाँ हो जाएगा वो, तो आप डिलीवरी कर देते हैं? हाँ डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी कर देंगे। आपके पास जो ब्रीड है वो कितने से स्टार्ट होती है, कितने तक की ब्रीड आपके पास? देखो, कहते हैं ना डॉग्स की कोई लिमिट नहीं है। एक डॉग्स आप मेरे पास, आप चाहे जर्मन शेपर्ड हो, लैब हो, कोई भी नस्ल के हो, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर बात है। वही जर्मन शेपर्ड हम यहाँ 10 से 12 15 20 बेच रहे हैं, और वो आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे ना उसकी और क्वालिटी में, तो 1 लाख 5 लाख 10 लाख कोई लिमिट नहीं है डॉग की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वैक्सीनेशन करते हैं, ये वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? और हो गया,
मैं आपसे जानकारी और चाह रहा था कि जो पपीज को डॉग्स को जो बूस्टर्स लगते हैं वो किन बीमारी पे लगता है और क्या फायदा होता है? देखो अमित भाई, ऐसा है ना, देखो जो बूस्टर लगता है आपका 45 डेज में लगता है। जैसे पपीज 45 डेज का होता है तो उस पर बूस्टर लगता है। उसमें फायदे क्या है? उसमें बीमारियाँ होती हैं, जैसे डॉग में सबसे बेकार बीमारी है पार्वो। जैसे वो लैट्रिन करता है तो उससे खून आना, ब्लड आना, डिस्टेंपर है, आँखों से पानी आना, कान से पानी आना, ये डिस्टेंपर है। और एक दो बीमारी और है, कैनन डिसीज है, हेपेटाइटिस है। तो ये जो बीमारी होती है डॉग को, इससे सुरक्षित रहता है डॉग को। इसके बाद आपका रेबीज लगता है, इन बीमारियों से प्रिवेंट हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, डॉग सेफ रहता है। तो ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, डॉग तो पाल लेते हैं पर उसके बाद उसकी केयर नहीं होती, वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं करते, तो क्या होता है, बीमार होता है डॉग। तो इसलिए जो भी मेरे डॉग्स या आपके माध्यम से व्यूअर है, जो भी डॉग पाले, तो उनका समय समय पर वैक्सीनेशन करें, बहुत जरूरी है डॉग के लिए। ठीक है, क्योंकि शुरू से ही लोग आज के जमाने में तो आज की तो नई नई ब्रीडें बना दी गई हैं, खिलौने की ब्रीड, अग्रेसिव ब्रीड नहीं, तो पहले लोग स्ट्रीट डॉग इतने अच्छे पालते थे। तो अगर आप डॉग को फ्रेंडली या उस रखरखाव से रखेंगे तो डॉग बड़ा फ्रेंडली है, मतलब आप घर में आप एक सदस्य के रूप में। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो डॉग लवर हो उसे जरूर डॉग को पालना चाहिए। तो आप डॉग ट्रेनिंग भी कराते हैं या ट्रेन डॉग ही सेल करते हैं? नहीं 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 सर, मैं डॉग ट्रेनिंग कराता हूँ। सर ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ जी ट्रेनिंग। और छोटे पपी भी सेल करते हो? हाँ छोटे पपीज करते हैं, कई मैंने अधिकतर जो सेल किए हैं वही मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी आए हैं। अच्छा, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा जो मैंने अभी ट्रेन किया डॉग। तो आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप दिखा सकते हो कि मैं यहाँ क्या क्या चीज सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि डॉग की क्वालिटी के ऊपर होता है। एक टॉय ब्रीड डॉग है तो उसके टॉय के तरीके से सिखाया जाएगा। जो अग्रेसिव डॉग है उसकी कमांड अलग है, मतलब डॉग की हर चीज की अलग अलग वो है ट्रेनिंग। अच्छा, जो डॉग लोग घर पे पाल रहे हैं उनके लिए कुछ सलाह देना चाहते हैं? देखो डॉग को मैं ये कहता हूँ कि वो पाले जिसके पास समय हो, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होते हैं, डॉग तो पाल लेते हैं, उनकी केयर नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे एक बच्चे की केयर करनी पड़ती है, समझना आपको डॉग की भी एक घर का वो सदस्य है। कई लोग क्या करते हैं, डॉग पाल लेते हैं, उन्हें बांधे रखते हैं, फिर वो अग्रेसिव हो जाते हैं, काटने लगते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो डॉग तो मैं यही सलाह दूंगा, आप जो भी डॉग पाले ऐसा व्यक्ति पाले जिसके पास समय है। ठीक है, और कुत्तों के साथ समय कैसे बिताना चाहिए? देखो सर मैं आपको ये बताता हूँ भाई, समय ऐसा बिताना चाहिए, देखो एक तो टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी आपको टाइम टेबल, जैसे अपना टाइम टेबल होता है ना सुबह उठने का, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी आती है टॉयलेट की और पॉटी की दिक्कत आती है। मेन जो पालते हैं ना डॉग लवर, उनको इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी का सोल्यूशन भी भाई, इसी का सोल्यूशन चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रेनिंग जो हम बता रहे हैं ना आपको, एक माध्यम से अगर किसी के पास पहुँचती है तो मैं उसको एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप बच्चा कोई भी अगर मतलब लेते हैं आप, ठीक है, परचेज करते हैं, तो आपने वो ट्रेनिंग शुरू से ही देनी है, बचपन से ही। अच्छा, जब पॉटी की आप उसे बाहर ले गए, ठीक है, जब बच्चा सोता है उसके बाद तुरंत आप डॉग को बाहर निकालेंगे उसके केस से, तो तुरंत 5 मिनट बाद वो टॉयलेट करेगा वो। ठीक, आपको तुरंत उसके बाद आपने चाहे उसका कपड़ा बिछा दो या बाहर ले जाओ उसको, वो वहाँ घूमेगा, वहाँ वो पॉटी कर देगा, टॉयलेट कर देगा। मतलब शुरू में उसको हैबिट बनानी है, हैबिट बनानी है। हाँ, इस तरीके की, जब आप उसे बाहर लेके जाए तो वो उसे आदत अब आपने उसको छोड़ा बाहर रूम में, अब उसको टॉयलेट लगी है, पोटी है, उसने कर दिया, एक दिन हो गया, दो दिन हुआ, वो उसको आदत हो गई है। इस कारण क्या होता है, आगे चल के डॉग पूरा रूटीन के घूम के आता है बाहर, पार्क में चाहे पोटी कराने बाहर गली में ले जाओ, वो आके फिर अपने घर पे ही करता है, उसको वो हैबिट बन जाता है, कुत्ता पूरी आवाज देना करता है, बिल्कुल रोना शुरू कर देगा। ये चीज है, ये आपकी शुरू से ही होती है, ये बेसिक चीज है, ये चीज है। ठीक, और आपके जो डॉग्स आप सेल करते हैं उनका टीकाकरण का कराते हैं आप या फिर? हाँ मेरे पास कराने पड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ऐसा है ना, एक्चुअली हमारे पास मैम है जो वेटनरी जो स्पेशल डॉक्टर है वो आती हैं, क्योंकि देखो कई लोग क्या आते हैं दुकान खोल के शॉप खोल के खुद ही वैक्सीनेशन करते हैं, तो ये चीजें गलत है। प्रॉपर आप जो भी चीजें हो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर से ट्रीटमेंट से होता है। तो मेरे यहाँ जो भी जिसका भी अभी तक टीकाकरण वैक्सीनेशन हुआ है वो डॉक्टर आके करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपका 45 डेज का डॉग होता है तो उसमें पहला फर्स्ट जो टीकाकरण होता है वो बीमारियों का लगता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसमें 5, 7, 9, 10 इस तरीके से वैक्सीनेशन होते हैं। टीकाकरण होते हैं इसमें, ये इसमें मैं बताऊँ 6 मंथ तक पहले होते हैं आपके। अच्छा, 45 से 6 मंथ, फिर उसके बाद 7 साल भर में होते हैं।
जिसमें आपका 1 to 6 मंथ तक कितने टीके लगते हैं? आप ये लगा लो, पहले आपके लगेंगे कंटिन्यू 2 टीके लगते हैं बूस्टर के, फिर आपका रेबिस लगता है, फिर उसके बाद 6 महीने तक आपके फिर दीवारी के लगते हैं, उसके बाद साल भर में आपका रेबिस लगता है, साल साल भर में। कई लोग क्या करते हैं, एक बूस्टर लगाने के बाद एक रेबिस लगाने के बाद छोड़ देते हैं। तो इनका कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है? बिल्कुल सर, यहाँ पर बिल्कुल कार्ड बनता है, उसे डेट वाइज डेज आपकी किस तारीख की डेट आपकी खत्म हो रही है तो पूरा उसमें वेरिफिकेशन होता है, मतलब कार्ड है ना कि मतलब कैसे करना है। ठीक है, अगर हमारे किसी व्यूअर को आपसे खरीदना हो तो वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा आपको? यही फिजिकल लोकेशन पे आना पड़ेगा या आप डिलीवरी? देखिए, अगर कोई भी अगर कस्टमर आपके माध्यम से आता है ठीक है, तो उसको मैं कंसेशन कर दूंगा उसे, ठीक है, डॉग में भी हाँ बिल्कुल डिस्काउंट दूंगा मैं उसको, वो आपका नाम लेगा तो उसको बिल्कुल मैं डिस्काउंट करके दूंगा, ठीक है। और मैं बाकी यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, ये आपका उत्तराखंड कोटद्वार नियर पेंशन फैक्ट्री मानपुर कोटद्वार पैट शॉप के नाम से, ठीक है, बिल्कुल सामने पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, आपका भैरवगढ़ी फर्नीचर है उसके सामने है। तो आप ये अगर किसी को अदर लोकेशन पे चाहिए अपने, अच्छा जैसे होम डिलीवरी चाहिए, हाँ हो जाएगा वो, तो आप डिलीवरी करा देते हैं? हाँ डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी कर देंगे। आपके पास जो ब्रीड है वो कितने से स्टार्ट होती है, कितने तक की ब्रीड आपके पास? देखो कहते हैं ना डॉग्स की कोई लिमिट नहीं है, हाँ। एक डॉग्स आप मेरे पास, आप चाहे जर्मन शेपर्ड हो, लैब हो, कोई भी नस्ल के हो, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर बात है। वही जर्मन शेपर्ड हम यहाँ 10 से 12, 15, 20 बेच रहे हैं, और वो आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे ना उसकी और क्वालिटी में, तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई लिमिट नहीं है डॉग की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू।